भाई मैं राजपुरे समाज से अपील करता हूँ कि दोनों टिकट आपके खाते में, दोनों जगह मेरा मान सम्मान रखा। आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आपको लगेगा कि मजबूत योद्धा का साथ दिया, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। मेघवाल समाज को आह्वान करता हूँ, पुरानी कोई बात कहीं हो भी गई हो छोटी मोटी, बर्तन भी बचते हैं घर के अंदर, बर्तन भी खड़े खड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, लड़ते नहीं लड़ते। हनुमान को मजबूत करें, चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करें और राजस्थान की जनता में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फर्जी नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी, न अपराध होगा, न दुष्कर्म होगा, राजस्थान में आपका राज होगा। क्योंकि 3-4 मीटिंग हो रही है और 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर ये मुझे आप इजाजत दें और मुझे आशीर्वाद दें। पहली बार वोट की अपील करने कहते हैं तो भगवान के प्रांगण के अंदर आया हूँ, मेरी मदद करना। कोतल का चुनाव जीने स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन जैसा मैं हूँ, जैसी कोतल है, जैसा शांति को प्यार करते हो उतना ही प्यार मुझे करना। निर्मल दास जी ने कभी काम नहीं बताया, एक ही आदेश दिया कि फांसी को टिकट देनी है, टिकट। और मैंने पूछा राजपुर समाज को, मैंने कहा आपको तो टिकट पचपन मेरे शिवाना का भी ध्यान रखो, नहीं तो राज कैसे आएगा। बोले शिवाना मैंने तो टाइगर को देखो सिल्वर की टिकट, आपके कहने से दो टिकट थी, सुनो मेरी बात, मेरी नई पार्टी है, फिर भी आपके समाज का राजपुर समाज का समाज का मैं ध्यान देखता हूँ। और सबसे ज्यादा तमाम समाजों के लिए लड़ाई की चल रही, और आप जब यूं हो गए आपस में तब भी बीच में बैठ के अगर आपको एक जगह बिठा के प्रयास किया कि मेरे भाई आपस में नहीं लड़े, आगे बढ़े और सब सुख शांति से जिए, जियो और जीने दो नारे के साथ कोई चला मॉडल भी है। प्रदेश में पिछले 5 साल के जो बलात्कार की घटनाएं हुई, बाड़मेर में जिस तरह का अत्याचार हुए, अपराध बढ़ा, बजरी माफिया का आतंक, पेपर लीक की घटनाएं, बेरोजगार संघ का आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। भाइयों आप चाहते हो कि कांग्रेस अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और बीजेपी मौन थी, सहमति थी, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। आप अगर चाहते हो कि आपके सपनों का राजस्थान हो, आप चाहते हो कि हमारे समाजों के बच्चे पढ़ लिख के आगे जाए, बड़े नेता बने, इस बार मेरी मदद करना और यह समझना। यहाँ से सर्व समाज को मैं अपील करता हूँ, ये नौजवान है सबसे ज्यादा, और नौजवान जमाने को बदलते हैं। हर क्रांति के नायक नौजवान थे, तांत्या टोपे मंगल पांडे और भगत सिंह नौजवान थे, जिन्होंने देश के अंदर भूचाल ला दिया था और अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। ये नौजवान की ताकत मेरे साथ है।